काशीपुर में इन दिनों कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। आए दिन आवारा कुत्ते बच्चों और बड़ों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें घायल कर रहे हैं। वहीं अस्पताल में भी रेविज इंजेक्शन के अभाव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, जिससे नाराज लोगों ने CMS का घेराव किया। काशीपुर के मोहल्ला अली खां और अन्य मोहल्लों में रहने वाले बच्चों को आवारा कुत्तों ने काट लिया। परिजन बच्चों को लेकर LD भट्ट राजकीय अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंचे, जहां पर रेबीज के इंजेक्शन समाप्त हो चुके थे। लोगों ने इसकी जानकारी बसपा के महानगर अध्यक्ष M राहुल को दी। जानकारी मिलने के बाद बसपा अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंच गए, जहां पर उन्होंने CMS का घेराव किया और रेबीज के इंजेक्शन जल्द से जल्द मंगवाने की मांग की। रेबीज के इंजेक्शन जल्द न आने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। लगातार काशीपुर अस्पताल से कोई ना कोई मेरे पास फोन आता है। आज सुबह हमारी जो भाई उनका बेटा है, जाके भाई उनका बेटा है, ये खड़गपुर देवीपुरा का है, पहले तो बात कर रहे थे कुत्ते ने काटा। आज जो है ये सरकारी अस्पताल है, कम से कम कुत्ते काटने की इंजेक्शन होने चाहिए, ऐसा है नहीं। लगातार 5-7 दिन से ये कमी चलेगी। आज हमने सुपरिटेंडेंट साहब से मुलाकात की, उनसे हमने कहा कि साहब न जयपुर में इंजेक्शन है, न काशीपुर में है, ना बाजपुर में, ना रुद्रपुर। जहाँ तक कि पता चला है कि 13 दिन तक नहीं, तो वो हमें सुपरिटेंडेंट साहब ने बताया कि मैंने DM साहब से ऑलरेडी पिछली बार भी 20-30 इंजेक्शन मंगवाए थे और दोबारा से रिक्वायरमेंट कर दी गई थी कि बहुत जल्दी बन जाए। आज साहब सरकारी अस्पतालों के अंदर अगर कुत्ते काटने की इंजेक्शन नहीं है, तो आज आप देख सकते हैं कि अगर एक बच्चा गरीब परिवार का आदमी अगर इंजेक्शन लग जाता तो उसका काम फ्री में हो जाता। मार्केट के अंदर 500-600 रुपये का इंजेक्शन है और कुत्ते काटने का मतलब ये भी बहुत खतरनाक होता है कि 20 साल के बाद भी पड़ता है। मेरे इंजेक्शन लगाने मैंने मार्केट से जो है इंजेक्शन लिया, अपने लगाया, पर दूसरा आदमी को पैसों की परेशानी होने की वजह से जब तो अस्पताल के अंदर आ रहा। आज अस्पताल बहुत बुरी हालात में है, जिस तरीके से फैसिलिटी मिलनी चाहिए अस्पताल में नहीं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जितने भी उत्तराखंड के अंदर हॉस्पिटल है, आपके हरिद्वार के अंदर, जिला उधम सिंह नगर के अंदर, सबके अंदर रेबीज की इंजेक्शन हर अस्पताल के अंदर उपलब्ध होना चाहिए। अन्यथा नहीं हुए तो हम सड़कों पर बैठकर अस्पताल के सामने बात। बच्चों को काटा, वहाँ पर कुटिया है तो पागल लोग ये जैसा भी है। और यहाँ पर हम कल आए, आने के बाद उन्होंने कहा कल आना क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो हम यहाँ सुबह 8 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। और फिर बाद में पर्चा बनवाया, सब कुछ होने के बाद हम वहाँ पर कुछ इंजेक्शन लगवाने, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर इंजेक्शन है नहीं अवेलेबल। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं है, रैपिड का तो होना चाहिए, ये बच्चों की जान का मामला है। तो उन्होंने कहा कुछ भी है और यहाँ पर है नहीं, आप लोग बाहर लगवाने। आप बताइए क्या करें, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और वहाँ पर मार्केट जाते हैं तो 500-700 रुपये का इंजेक्शन है, अब कहाँ से करा जाएगा 500-700 रुपये का? एक इंजेक्शन का मसला नहीं है, 4-5 इंजेक्शन लगने हैं वो। तो यहाँ पर जो परिसर है, जो अधिकारी हैं यहाँ पर, इनकी लापरवाहियाँ हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, काशीपुर का बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो बेकार ही हॉस्पिटल है। वहीं CMS डॉक्टर खेमपाल ने बताया कि रेबीज के इंजेक्शनों की दिक्कत पूरे प्रदेश में चल रही है। उन्होंने इंजेक्शन के लिए मांग भेज रखी है, जल्द ही रेबीज के इंजेक्शन मिल जाएंगे। अभी रेबीज के इंजेक्शन पूरे प्रदेश में कमी चल रही है। मैंने अभी मेरे पहले 5-10 दिन पहले मैंने DM साहब से रिक्वेस्ट करके वहाँ से 50 इंजेक्शन मुझे मिल गए थे, अभी देहरादून में भी स्टॉक में नहीं है। फिर भी मैंने रेड कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी से बात करके रेड भेज दिया, सो इंजेक्शन अभी हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।